Stroke is a medical emergency that occurs when blood supply to a part of the brain stops, forcing that part of the brain to stop functioning. As a result, the patient may be unable to move one or more limbs on one side of the body, have difficulty in seeing, speaking, or eating. High blood pressure is the leading cause for stroke and also the second leading cause of death worldwide. Besides this, smoking, obesity, high cholesterol levels, diabetes or heart disease also increase the risk of stroke. जो पक्षाघात लकवा जो आमतौर पे जो रिकॉग्नाइज होते हैं कि एकदम से मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर गिर गया, पर वो ही लक्षण नहीं है. कोई भी फंक्शन अचानक जो गिर जाते हैं, एकदम से लगता है कि सिर फट रहा है, इतनी जोर से दर्द हो गया, हिमरेज में होता है, एनुरिज्मल ब्लीड में होती है, इतनी जोर से चक्कर आ गया और बैलेंस बिगड़ गया, पावर तो है पर खड़ा नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे, तो इस तरह कहीं रूप से ब्रेन अटैक हो सकता है. डॉक्टर्स हाउएवर से दैट इफ ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक बिगिंस विद इन 4 आवर्स ऑफ द अटैक द पेशेंट स्टैंड्स अ गुड चांस ऑफ रिकवरी. डायबिटीज है तो उसको कम कर लीजिएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल एक बार चेक कर लीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, एक्सेसिव अल्कोहल बंद कर दीजिए, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में ना भी हो 40 साल के उम्र के बाद तो ये टेस्ट तो करवाना ही है. ये एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, हेल्थी लाइफस्टाइल में, ठीक है अगर हम फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, हालांकि खाना चाहिए, कहना आसान है करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट सम फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट वॉकिंग में ही चले जाए. स्ट्रोक इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर वर्ल्ड वाइड एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया. The number of attacks is rising steadily as lifestyles become more and more stressful and sedentary. It is important that people are made aware of the risk factors associated with stroke and learn to manage it with a change of lifestyle and timely and proper treatment. Nitendra Singh, DD News, Delhi.